और मैंने वैसे आपको वाली वीडियो राम जय श्री राम भाई। नमस्कार, मैं भगत सिंह। जिंदगी जीना है तो अपने कंधे पे जिए। दिवाली और दिवाली को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां तेज हो गई है। जहां एक और घरों की रंगाई पुताई हो रही है, घरों में सजावट की जा रही है, वहीं इस तरीके से दिवाली मेले का जिले में आयोजन किया जा रहा है। अभी हम जिस मेले में खड़े हैं उसकी खास बात यह है कि ये मेला बच्चों के द्वारा ही लगाया गया है, जिसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी गई है। दिवाली के लिए डेकोरेशन वाले दिए रखे गए हैं और दिवाली में घर सजाने का सामान भी है। उसके अलावा आप मेरे पीछे देखिए, स्टेज पे जो है प्ले हो रहे हैं कंटिन्यू, और ये प्ले जो है वो देशभक्ति के नाम है, राष्ट्र के नाम है। हमारा जितना भी स्पोर्ट्स जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 12 काउंटर्स हैं टोटल, और उसमें 12 काउंटर्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग गेम्स हैं हमारे सारे, जिसमें हमारा बास्केटबॉल है, एक मटकी फोड़ है, उसके बाद बुल साइज है, और वहाँ पे पुल अप्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है इस समय वो एक मटकी फोड़ और दूसरा बास्केटबॉल, इसमें सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसमें लाइन्स लगी हुई हैं बिल्कुल, और भीड़ से भीड़ आ रही है। नाम भुवनेश है, ये स्कूल के बच्चों ने डेकोरेट किया है। ये 20 रुपए का एक दिया है और ये वाले 10 रुपए के हैं, और ये बड़ा वाला 20 रुपए का। आप लोगों को टाइम लगा इसे डेकोरेट करने में, पैटर्न क्या रखा आप लोगों ने डिजाइन का? जी, अलग अलग डिजाइन के लिए हमने पैटर्न रखे हैं, देखिए कितने अच्छे डिजाइन है। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? जी 15 मिनट तो लगे। ये जो दीपावली मेला है, इसका नाम रखा गया था दीपावली हाट, और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यापारिक कौशल विकसित करना था। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी ये प्रावधान है कि बच्चों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से उनके अंदर ऐसा गुण विकसित किया जाए कि भविष्य में वो जा करके आत्मनिर्भर बने, वो नौकरी की तरफ ना दौड़ें, ऐसे नागरिक को निर्मित हो कि दूसरों को काम दे सके। तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा एक इंतज़ाम किया और यहाँ पर स्टॉल चला रहे हैं, उस बारे में क्या कहें? ये जो स्टॉल चला रहे हैं, हमें उम्मीद से बढ़ कर के रेस्पॉन्स मिल रहा है, और बच्चे अपनी अपना कार्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभा रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं दिवाली से पहले कैसे मेले का? असल में क्या है कि हमारा ये जो पूर्व छात्र हैं, उनके पास भी सूचना थी, तो वो लगभग सभी बड़े इंजॉय के साथ में, और उन्हें ये भी लग रहा है कि टीचर से मिलना होगा, तो सब आए हुए हैं, तो यानी एक उम्मीद से ज़्यादा ये वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा है।